नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। और हरियाणा के चुनाव को लेकर के एक परंपरा रही है, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो नेता इधर से उधर जाते हैं। दूसरे राज्यों में भी होता होगा, लेकिन टिकट का माहौल ही ऐसा है कि नेता इधर से उधर, उधर से इधर चलते दिखाई देते हैं। हरियाणा की सियासत में कहा गया आया राम गया राम, ये वहीं से पूरे देश को ये संज्ञा मिली थी। लेकिन अभी आप देखिए, जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के जो सांसद थे बृजेंद्र सिंह, वो उनके पिता कांग्रेस में आ गए। नवीन जिंदल जो कांग्रेस के थे वो भाजपा में आ गए। अशोक तंवर जो थे वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। अब विधानसभा के चुनाव हैं, जेजेपी के रामकरण काला कांग्रेस में जा रहे हैं, ईश्वर सिंह कहीं जा रहे हैं, देवेंद्र बबली कांग्रेस में जाना चाहते थे, दरवाजे बंद मिले, भाजपा में चले गए, कोई इधर से उधर हो रहा है, मतलब ये दल बदल की बहार है। राव नरबीर जो है वो तो साफ कह रहे हैं बीजेपी टिकट दे दे वरना मैं कांग्रेस से लड़ लूंगा। मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना है। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग इंतजार में हैं कि जो टिकट आएंगे, मतलब जो सूची आएगी उसमें उनका नाम होगा या नहीं होगा। ऐसा ही कुछ दल भी इंतजार में है कि कहां पे मजबूत ऐसे लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो उन्हें दूसरी पार्टी या उनकी पार्टी टिकट दे पाए। कुल मिलाकर के ये हरियाणा की परंपरा कायम है। और हम आजकल क्या देख रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो रही है, ये सिलसिला और तेज हो चला है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। चुनाव आए दल बदल बाहर लाए, टिकट की होड़ नेताओं में लगी दौड़। नेताजी की ललकार, यहाँ नहीं तो वहाँ सही, दावेदारी पर दावेदारी, टिकट की मारामारी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की राजनीति का सियासी पारा हाई लेवल पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच खलबली है, टिकट के लिए सभी नेता गठजोड़ में लगे हैं। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच पाला बदलने का सिलसिला पूरी रफ्तार पर है। दो दिनों के अंदर कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। आज पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक देवेंद्र बबली ने कमल को अपने हाथों में पकड़ लिया। देवेंद्र बबली की अटकलें पहले कांग्रेस में जाने की थी, लेकिन उनको टिकट की आस नजर नहीं आई तो उन्होंने बीजेपी की तरफ रुख कर लिया। मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि देश के पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे काम करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। देश में हमारी सरकार बन चुकी है और हरियाणा प्रदेश में हम मेहनत करके सरकार बनाने का काम करेंगे, लोगों के बीच में अपील करने के लिए पहुंचेंगे। और जो हमने कार्य करके दिए हैं, हमारे कार्य नीति को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और पूरे विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आने वाले सपोर्ट में सरकार बनाएगी। कल जींद की जन आशीर्वाद रैली में चार बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था, जिसमें राम कुमार गौतम, जोगीराम सिहाग, अनूप धानक, पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शामिल रही हैं। दल बदल के बीच कुछ नेताओं के तीखे तेवर भी सामने आए। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा, अगर कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं देती तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपका लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया जाता, क्या आप फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ूंगा। क्या पार्टी हाईकमान से कोई बातचीत हुई है टिकट को लेकर? अपना बायोडाटा दे रखे है, पार्टी से डिमांड अपनी करी है, तो इसमें कोई शक शंका नहीं है। अगर पार्टी टिकट देगी तो भी चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो भी चुनाव लड़ूंगा। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता तीखे तेवर दिखा रहे हैं तो बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने तो साफ कह दिया, अगर बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। दो पार्टी हरियाणा में आज के दिन, एक बीजेपी एक कांग्रेस, भाई एक पार्टी टिकट नहीं देगी मैं दूसरी से लड़ूंगा, लेकिन आपका आशीर्वाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने में पीछे नहीं है, तभी तो दोनों पार्टियां सोच समझकर उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।
और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विदुर रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंदर रेडू इंडियन नेशनल लोकदल से, अजय चौधरी है जननायक जनता पार्टी से, आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर रावल, ये जिनके दरवाजे दूसरी पार्टियों में बंद हो जाते हैं, बीजेपी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं क्या? देवेंद्र बबली बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे पिछली बार, नहीं मिला, जेजेपी में गए, जीत गए, गठबंधन हुआ, सरकार में मंत्री बन गए, फिर दूरी बना ली, फिर कांग्रेस में गए, कांग्रेस के दफ्तर में मतलब बैठे हुए नजर आए, वहां से टिकट कट गया, बीजेपी में आ गए, बीजेपी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वरुण जी, एक महीने में तो आपकी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे जो हमारे किवाड़ हैं उन सबके लिए खुले हुए, ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमति रखता हूँ। हमारे दरवाजे खुले हैं, तभी तो एक छोटा सा पार्टी जो कि बिना संसाधनों के थी, कोई जातीय कोई हमने गठजोड़ नहीं किया था, राष्ट्रवाद की बात की, भारत माता की जय की बात, और पहली बार भी जब चुनाव लड़े थे तो अपनी कैबिनेट से इस्तीफा देकर जो है, हम जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे नेहरू जी की कैबिनेट में, और अपने लिए नहीं राष्ट्र के इस्तीफा दिया था, कश्मीर के एकीकरण के लिए दिया था, और 11 प्रचारकों की जो है एक फौज लेकर एक पार्टी शुरू की थी राष्ट्रीय जनसंघ, और वहां से लेकर बिना कोई जाति कभी राजनीति किए, किसी जाति के पैशन को इग्नाइट किए बिना, देश की बात करते हुए और अपने चरित्र की प्रमाणिकता के ऊपर, अपनी वर्षों वर्षों नहीं दशकों तक की प्रमाणिकता के ऊपर देश की जनता के बीच में सबसे लोकप्रिय हुए और देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने, तो हमारे किवाड़ सबके लिए खुले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब जनता के लिए खुले हैं तो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, जो जनता के बीच के लोग हैं, ये देखिए जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं ये भी तो जनता में ही है ना, ये भी तो कहीं ना कहीं वोट डालते हैं, कहीं ना कहीं के सदस्य हैं, उनके लिए भी खुले हैं। इस लिहाज में हमने दरवाजे जो है, इसमें मेरा एक एडिशन है। आपके दरवाजे खुले हैं, आपके यहाँ लोग प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जिसने आपके यहाँ बैठने की व्यवस्था बनाई, जो पुराना वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, उसकी जगह खिसकती जा रही है भाई साहब, बाहर से जो आते हैं उन्हें आप पूरी जगह देते हैं। वरुण जी, मैं 24 कैरेट गोल्ड भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं जब से राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में आया और 20-22 साल हो गए, बाल्यकाल से मैं जो है राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, प्योरली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ। मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं वो कुर्सियों पर बैठने के लिए कार्य नहीं करते थे। वरुण जी, जिस समय हम काम करते थे ना, उस समय हरियाणा की चौथे नंबर की पार्टी थी हम, जो है ठीक है देश में अटल जी की सरकार बनने वाली थी और बाद में बन गई, लेकिन हरियाणा के अंदर कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता था। हम एक बार चौटाला साहब के साथ जो है हमारी सरकार भी बनी, लेकिन चौटाला साहब ने दूर में से मक्की की तरह बाहर निकाल रखे थे। हमारे 6 विधायक थे, एक व्यक्ति को भी थोड़ा कोई सरकारी कोई दायित्व तो नहीं मिला था, सब विधायक थे विपक्षों की तरह, विपक्षों से भी बुरी स्थिति थी। चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी ने तो केंद्र से जो है अपना सिक्योरिटी मिली हुई थी। लेकिन खैर, इस विषय पर दोबारा से आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अन्य पार्टियां समझने की भूल मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हैज बीन अ पार्टी विद अ डिफरेंस एंड द डिफरेंस शैल रिमेन। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न है। यहाँ पर लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए केवल नहीं आते, यहाँ पर ध्येय ऊंचे हैं और वो ध्येय है भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना। उसके लिए असंख्य विधुरावल, असंख्य भारतीय जनता पार्टियां अगर उसके रास्ते में बाधक होंगी तो अपना बलिदान देने से भी नहीं हटेंगे। हमने पहले भी किया 1970 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, खत्म कर रहा हूँ। मैं फिर से, जनसंघ का विलय जनता पार्टी में किसने किया था? सबसे बड़ी पार्टी थी हिंदुस्तान की, हम कहते हैं कि और पार्टी हमें विलय करे ना, अपनी पार्टी भी खत्म कर दी देश का लोकतंत्र बचाने के लिए। और फिर आपको जरूरत पड़ी तो आपने साथ ले लिया, अब वो फिर अलग हो गए हैं। चलिए ढींगरा साहब, मुझे बताएं, अब जैसे सांगवान साहब का जिक्र हो रहा है वो आपके साथ हैं, ये चुनाव में दल बदल होता है, हमने देखा है जिनको टिकट नहीं मिलती वो इधर से उधर जाते हैं, पर हरियाणा में कुछ अलग ही स्वाद है। मतलब कौन कब किसके झंडे तले किसको टिकट मिल जाए लास्ट मोमेंट पर, ये आपके यहां भी चल रहा है या फिर अभी पुराने कोर कांग्रेसियों पर ही तरजीह दी जा रही है? देखिए, जो हमारे 2556 लोगों ने उम्मीदवारी बताई जी, उनके ऊपर ही हमारा तो आकलन अभी चल रहा है।
और उसको ही हम हर सीट पर एक दो तीन का पैनल बना रहे हैं और वही हमारी सेंट्रल कमेटी के पास जाएगा और उसके साथ आएगा। बाकी जहां तक कोई पर्सन, जिस तरह से आपने सांगवान साहब का जिक्र किया, अब उन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा शायद उसमें, नहीं वो कह रहे मैंने बायोडाटा दिया है। अच्छा, फिर दिया हुआ तो उसके अंदर कंसिडरेशन में होगा। लेकिन जो एक दो तीन पैनल में आएंगे उसके बाद हमारी जो सेंट्रल कमेटी है वो टिकटों का वितरण करेगी। लेकिन जहां तक मैं सुन रहा था, हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे वर्ल्ड की पार्टी, जिस समय उनको कैंडिडेट की जरूरत होती है उस समय वो इधर उधर नाक झांक टांग झांक करते हैं, और वो कैंडिडेट कहां से लेकर के आते हैं। है तो बहुत बड़ी, विश्व की बड़ी पार्टी है, लेकिन जब 10 लोकसभा के उम्मीदवार ढूंढ रहे हो हरियाणा के अंदर, तो उसको बीजेपी को कोई दूसरी पार्टियों से उम्मीदवार ढूंढने पड़ते हैं। रुके। तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, कमाल है। वैसे समझने वाली बात तो यही है कि विश्व भी सारा उसके अंदर समाया हुआ है, स्टेट भी समाई हुई है, लेकिन कैंडिडेट है नहीं बेचारे। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। विजेंद्र रेणू जी, आप तो कम से कम इंतजार कर रहे होंगे कि दूसरी पार्टी में ऐसे कौन से मजबूत लोग हैं जिन्हें टिकट ना मिले तो फिर वो लोग चश्मा पहने या फिर आप लोगों ने चश्मा पहनाए। देखिए वरुण जी, इंडियन नेशनल पार्टी वो है जो ताऊ देवीलाल ने इसको खड़ा करने का काम किया, रोड़ी विधानसभा से चुन करके 1974 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भारतीय लोकदल के नाम से खड़ी की गई थी और 1987 में इसको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का के नाम से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था। ये वो पुरानी पार्टी है जिसकी शख्सियत संस्थापक देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का काम किया और फिर त्याग करके उन्होंने दूसरे के सिर पर ताज सजाने का काम किया था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है आज हरियाणा प्रदेश में जो सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी है, किसी भी पार्टी को देख लीजिए आप सारे मुस्कुराने लग गए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। किसी पार्टी को देख लीजिए, अगर किसी में भी अनुशासन हो आज के दिन, कोई भाग रहा है, कोई भागों को ले रहा है हर जगह। आपको आपको नहीं लगता आपको मजबूत लोगों की जरूरत है भाई? कोई मजबूत आदमी है सोमवीर सांगवान टाइप के जिनकी टिकट कट गई तो आप दे देंगे? आप भी इस बात के सबसे बड़े गवाह हो और यहाँ जितने प्रवक्ता बैठे हैं ये भी इस बात के गवाह हैं कि इनकी पार्टियों के 50% नेता ताऊ देवीलाल की नर्सरी में पैदा होकर के आज पेड़ बने हुए हैं, यहीं से निकल के गए हैं। और जो बीजेपी वाले हमारे साथी सर, आप वापस पौधे की सिचुएशन में है ना, आप पेड़ की सिचुएशन में नहीं है? अब नहीं, बिल्कुल पेड़ की सिचुएशन में है। जब दूसरे नर्सरी में लेकर के वो पेड़ बने तो हम तो वट वृक्ष बन गए हैं, हम वट वृक्ष बने हुए हैं, ये पेड़ बने तो हम वट वृक्ष। आप मार्गदर्शक मंडल में चले गए क्या? आज सबसे पहले वरुण जी, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में यदि किसी ने कैंडिडेट डिक्लेयर करने का काम किया है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। 15 कैंडिडेट हमारे मैदान में उतर चुके हैं और आप मुझे बताइए, इलाहाबाद से एम एस चौटाला आए हैं, क्या वो वटवृक्ष नहीं है? क्या कोई टहनी उनका कुछ बिगाड़ सकती है? रामपाल माजरा पूर्व हरियाणा प्रदेश की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां निभा चुके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, क्या आप उनको नहीं मानते कि बहुत ही मजबूत वो नेता है? क्या शीला राठी जो बहादुरगढ़ से कैंडिडेट इन्होंने बनाने का काम किया, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष ये आपका बड़ा बिल्कुल सही तर्क है कि अगर आप दूसरी पार्टी के लोगों का इंतजार कर रहे होते तो सबसे पहले सूची जारी ना करते, ये बिल्कुल ठीक बात है। वरुण जी, जी नहीं वरुण जी दे दीजिए 10 सेकंड, मुझे दे दीजिए 10 सेकंड। ले लीजिए। तो जहां पर कांग्रेस पार्टी इसलिए कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही क्योंकि जिनको नहीं मिलेगा वो दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, इनेलो की स्थिति विचित्र है। इनेलो ने इसलिए घोषित कर दिए क्योंकि अगर घोषित ना करते तो दूसरी दलों के दरवाजे खटखटा रहे थे, ये भी बड़ी बात कर रहे थे। इनके थोड़े दिनों पहले राष्ट्रीय संगठन मंत्री कौन थे बता दे विजेंद्र रेड्डू जी? वो श्याम सिंह राणा जी थे, भारतीय जनता पार्टी से गए और इन्होंने सीधा राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया। अब वो छोड़कर वापिस घर वापसी कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और रादौर से वो उम्मीदवार रख हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट ले रहे हैं। तो इनकी स्थिति को भी आप इनके तरफ को फिर ना जाइए, ये कांग्रेस पर ये वटवृक्ष साहब जो बता रहे हैं, ये वटवृक्ष साहब जो है ये गलत बता रहे हैं।
गुमराह कर रहे हैं। छोटा सा है एक लाइन का वरुण जी, आपके तो केंद्रीय मंत्री थे इस्पात मंत्री, और जो आपने उसको मंत्री भी बनाने का काम किया वो आपको छोड़ करके क्यों चले? अरे मंत्री उनकी धर्मपत्नी विधायक, उनके बेटे सांसद, सब कुछ बनाया इन्होंने, कुछ बनाया वो आपको। अरे श्याम सिंह राणा तो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमारे साथ काम किया। अच्छा क्या क्या रेणु साहब आप एक मिनट रेणु साहब आप इंतजार कर रहे हैं दो चार और कुरडा राम जैसे, मतलब जिन्हें टिकट नहीं मिले तो फिर आप आखिरी मिनट में टिकट देंगे ना? हाँ देखिए, अगर कोई हमारे ताऊ देवलाल की विचारधारा का, हमारे ताऊ देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखने वाला यदि कोई मजबूत साथी जो हमारी पार्टी से विचार और मेल खाता होगा तो हम जरूर उसको शामिल करके उसको टिकट देंगे। अजय चौधरी मुझे बताएं, आज मौजूदा सिचुएशन ये है, रोज हालांकि खबर तो पुरानी है लेकिन वो रोज रोज छपती है कि आज जेजेपी के मंत्री विधायक बीजेपी में गए, कांग्रेस में गए, रैली में दामन थामा, ये सब कुछ हो रहा है। मतलब दल बदल का, जैसे वो कहते हैं ना वो भद्रा का साया, मतलब कोई दल बदल का साया अगर किसी पर सबसे ज्यादा पड़ा है तो वो अजय चौधरी की पार्टी पे पड़ा है। गोयल साहब सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी, पैनलिस्ट साथियों को हरियाणा वासियों को नमस्कार। गोयल साहब जब डिबेट की शुरुआत आपने की तो आपने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में दल बदल का इतिहास बड़ा लंबा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति ही नहीं, अगर हरियाणा प्रदेश की भी हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में अगर जाए तो सबसे पहला जो मामला हुआ वो केंद्रीय विधायिका के समय का हुआ, और उस समय श्यामलाल नेहरू ने और अपनी आस्था बदल करके ब्रिटिश लोगों के पक्ष में अपनी आस्था बदल ली थी। और दूसरा मामला 1937 का रहा, जब हाफिज मोहम्मद कांग्रेस की सीट पर जीत करके आए और वो जो मुस्लिम लीग थी उसने अपनी आस्था बदल ली। और सबसे ज्यादा जो उदाहरण देखने को मिले वो पहले लोकसभा से चौथी लोकसभा बीच के बीच में 542 मामले दल बदल के हुए 1985 में, इसीलिए 52वां संशोधन करके और ये कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब जो मैं बात कहता हूं, ये चुनावी मौसम है, इसमें हर दो परिवर्तन होते रहते हैं, और मैं एक शेर कहूंगा वो इतना गहरा है कि ना जाने कब अपनों से रुसवाई हो जाए, जो लगता है सबसे प्यारा वो हरजाई हो जाए। और आजकल तो मौसम ही हृदय परिवर्तन का है, ना जाने कौन सा नेता बेवफाई हो जाए। नहीं, ये ज्यादा बेवफाई आपकी साइड हो रही है, आपका दिल ज्यादा टूट रहा है, ज्यादा गाने आपको बनाने पड़ेंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। 1993 में अजय देवगन जी की एक पिक्चर आई थी और उसका एक गाना था कि मैं चला मेरा नहीं कोई ठोर ठिकाना, मैं गलियों का बंजारा। तो इनकी हालात उस गाने की तरह है भाई साहब, मैं नहीं आपके यहाँ तो हम चला है, सारे ही चले गए। सर क्या है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो संगठन की पार्टी होती है, ठीक, और राष्ट्रीय जो पार्टियां होती है उसमें लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन संगठन जो है वो क्षेत्रीय दल का मजबूत होना चाहिए। और एक मिनट का समय और लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने डिबेट की शुरुआत करते हुए राष्ट्रवाद की बात की, राष्ट्रीय खुद को राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हुए बताया और भारत माता की बात की। मैं बड़ी शिद्दत से एक बात कहता हूं कि भारत माँ की गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माँ को आजाद कराने के लिए अनेकों वीर सिपाहियों ने, अनेकों लोगों ने, महापुरुषों ने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, अपने प्राण न्योछावर कर दिए, और उन लोगों के नाम दिल्ली के लाल किला पर बड़े शिद्दत से सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं। अगर इनकी विचारधारा और आरएसएस से जुड़े हुए एक भी आदमी का नाम उस फहरिस्त में लाल किले पर लिखा हो तो हिंदुस्तान यार, ये 4.5 साल तक आपको याद ही नहीं आई भाई साहब, कैसी बात करते हो आप? ये बैठ करके कह रहे हैं, अब बात वो नहीं है, बात राष्ट्रवाद की आ रही है, ठीक है। चलिए मैं चर्चा को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा, मुझे ट्रैक पर रहना है, ट्रैक वही है दल बदल वाला। अरे रुकिए, रावल साहब इसका जवाब तो बनता है, छोटा सा दीजिएगा, दल बदल पे रहेंगे आज, दल बदल पे ही रही है। अजय चौधरी जी जब जो जीतता है ना वही गाथा लिखता है,
जिनकी सरकारें बनती है ना वही इतिहास लिखते हैं। शेरों का इतिहास जब शिकारी लिखेंगे तो शेरों को कभी बहादुर नहीं बताएंगे। वीर सावरकर जिसको दो दो जीवन काल की सजा मिली ना, उनका नाम भी नहीं मिले। सुने अजय चौधरी, रुको, और सुनिए, मेरे परबाबा थे बख्तावर सिंह, मेरे खुद के परबाबा थे, उनका वंशज हूं मैं। उनका भी नाम आपको शायद लाल किले पर नहीं मिलेगा, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो कृपया करके अपने इस ज्ञान में वृद्धि कीजिए कि जो नाम केवल लिखे गए हैं वही नाम नहीं थे। 1,27,000 लोगों ने अपने रिकॉर्डेड है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, एक भी कांग्रेसी की नहीं थी, वहां आपको सारे कांग्रेसी मिलेंगे। 13,500 लोगों को अंग्रेज कहते हैं कि हमने फांसी दी, एक भी कांग्रेसी को नहीं। अजय चौधरी, मैं क्या फैक्ट की बात कर रहा हूँ? चलिए आगे बढ़िए, कांग्रेसी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, रुकिए, ज्ञान के लिए था। शेरों का इतिहास शिकारी लिखते रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान कीजिए। जिनको अंग्रेजों ने सत्ता हाथ में दी थी ना, उन्होंने कहा कि हमने अंग्रेजों से सत्ता छीनी है, हाथ में देकर गए थे। अच्छा, रुक जाइए, आप रुक जाइए, प्लीज दोनों रुकिए, प्लीज रुक जाइए। मैं जिस विषय पर मैं उसी पर रहना चाहता हूँ। केवल ढिंगरा जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे रणधीर गोलन है, चाहे ये सोमवीर सांगवान है, चाहे वो एक और निर्दलीय विधायक जो थे धर्मपाल गोंदर है, भाई वो कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दिया, जी जी, वो टिकट चाह रहे थे, उन्होंने बोला कि कांग्रेस दे देगी तो ठीक है। अब कांग्रेस अपने साथ तो ले लिया, अब वो धीरे धीरे दरवाजे बंद कर रही है, क्या ऐसा है? दूसरी बात यह है कि वो लोग जो आपके साथ गए, अब वो बीजेपी, जैसे लोकसभा चुनाव में देवेंद्र बबली बीजेपी कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, बीजेपी में चले गए, तो क्या कांग्रेस ने भरोसा नहीं दिया था क्या इनको टिकट का? देखिए, कोई भी हमारे पास टिकट के भरोसे से नहीं आया था, वो अपनी विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा देख करके आया था, और आज भी कांग्रेस की विचारधारा वही है। और कांग्रेस के जितने भी लोग एंटर किए हैं, हमने किसी को ये नहीं कहा वो अप्लाई ना करे, और जिन लोगों ने अप्लाई किया वो 2556 है, और उनमें से ही हम जो है टिकट का वितरण करेंगे। और बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा हमें लगा कि ये आदमी भी आना चाहिए तो उसको भी कंसिडर कर लेंगे। मुझे बड़ा अच्छे से याद है, मैं उस दिन वही रिपोर्टिंग कर रहा था, सोनिया जी के घर के बाहर एक गाड़ी के ऊपर अशोक तंवर चढ़ गए थे पिछले चुनाव में जब टिकट नहीं मिल रहे थे, और उनके साथ जो लोग चढ़े हुए थे उनमें देवेंद्र बबली भी थे। आप लोगों ने टिकट नहीं दिया, वो तो कांग्रेसी थे, अशोक तंवर टिकट मांग रहे थे उनके लिए, फिर वो जेजेपी से लड़े और जीत गए। इस बार उन्हें उम्मीद थी आप टिकट दे देंगे, फिर आपने टिकट नहीं दिया, वो आपके कैंप के नहीं है क्या? नहीं, ये सवाल नहीं है। जो अशोक तंवर थे वो टिकट मांगने के लिए नहीं सोनिया गांधी के बाहर खड़े थे, वो सोनिया गांधी जी के 5 साल 8 महीने अध्यक्ष रहने के बाद सोनिया गांधी जी की मुखालफत कर रहे थे। जो आदमी सोनिया गांधी जी की मुखालफत कर रहा है उसको टिकट का सवाल ही कहां है, चाहे वो बबली हो चाहे अशोक तंवर। तभी तो उन्होंने अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, और दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में गए, चौथी में गए, चौथी से बीजेपी में चले गए, पार्टी में जो अब बीजेपी ने इनको टिकट दे दी, तो बीजेपी में टिकट पे क्या बना उनका? आज वो हार के अपने घर बैठे, यही बीजेपी में गए थे 5 पार्टियों से कूद करके, तो आज अपने घर बैठे। तो अशोक तंवर जैसों का वही हाल होता है, जिस तरह का उसको सिला मिलता है। बीजेपी के अध्यक्ष को हराया था उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष को, आपने पूरा चटकारा लेकर के सारी व्यथा बताई सर। शाम का टाइम है, मैं चटकारा ही लूंगा, पूरी व्यथा बता रहा हूँ। नहीं, मुझे याद आ गया सर, बड़ी गर्मी में रिपोर्टिंग करनी पड़ी थी वहाँ पे। मुझे मालूम है, मैंने भी देखा है वो मंजर, मैंने भी देखा है, और मैंने देखा है कि जो जिस आदमी को 5 साल 8 महीने कांग्रेस का अध्यक्ष रखा हो और वो उसके बाद उनके कहने पर टिकट नहीं बटे। सुनिए, वो उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं थे, मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय वो कांग्रेस से बाहर हो गए थे, और वो जानी बाहर नहीं हुए थे उस टाइम, कहाँ बाहर हुए थे, बाहर मतलब पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, मैं ये कह रहा हूँ। और वो टिकट जो मांग रहे थे, जो टिकट की बात नहीं थी उस समय वो सोनिया गांधी जी के और सबके घर के बाहर उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। अच्छा, मजेदार बात पता है क्या ढिंगरा साहब, चटकारे लेने वाली बात, असल में जिनकी मुखालफत कर रहे थे उनका नाम ही नहीं ले रहे आप। सर, वो बबली जी भी बीच में थे, अरे वो बीच में थे, मैं वो कह रहा हूं। जिस व्यक्ति की मुखालफत कर रहे थे वहां खड़े होकर, उनका नाम भी नहीं ले रहे आप। भूपेंद्र सिंह, राहुल गांधी जी का कह रहे हैं आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुखालफत कर रहे थे वो। नहीं, वो सारी कांग्रेस पार्टी की कर रहे थे जी। अच्छा, आप वरुण जी समझे नहीं,
जो आदमी मुखालफत करने लगता है, सोनिया गांधी जी की कर दी तो सारी पार्टी की कर दी ना। हाँ। आप एक आप हमारे हेड के भी नीचे सारे हेड को मान लो, हम तो मान रहे हैं राहुल गांधी के पांव में सबका पांव, हमारी कांग्रेस सारी बिल्कुल है? और दूसरी बात एक और बताता हूँ आपको, इसके साथ साथ बताता हूँ, ये जो भाजपा है ना, इसके अंदर जो अब सिर्फ फुटबॉल हो रही है ना, सारे आपस में जो लड़ रहे हैं, चाहे राव नरबीर हो, चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे रंजीत सिंह चौटाला हो, चाहे कांडा ब्रदर्स हो, चाहे अनिल विज हो, चाहे ब्रोली जी हो, चाहे नायब सिंह सैनी हो, चाहे खट्टर साहब पीछे से जो एक्शन कर रहे हैं वो हो, ये सारे आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, आप गुटबाजी कांग्रेस पे लाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सवाल फिर मैं रेणू जी के पास आऊंगा। मतलब मैं बहुत सालों से चर्चा कर रहा हूं तो मुझे एक ही बात कही गई, कांग्रेस का संगठन बनने दीजिए, सिर्फ फुटबॉल देखिएगा। चलिए वो तो नहीं बना, क्या टिकट बटने के बाद कुछ गड़बड़ होगी? आपने देख लिया हमारे 362 उम्मीदवार लोकसभा में थे, ऑन एन एवरेज 36 उम्मीदवार एक सीट पे थे, कितनी सिर्फ फुटबॉल हुई और अब भी नहीं होगी, आप देख लेना। मैं बताता हूं, दिक्कत नहीं है कांग्रेस को। आपने लेकिन आपने जिनकी टिकट काटी वो परिवार समेत बीजेपी में चली गई, कोई बात नहीं, कोई देखो ये अगले की इच्छा है। अब हम सबको तो हमारा समुंदर है पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी बहुत है, बढ़िया। हम सबको तो नहीं हम कुछ कह सकते, लेकिन हम बीजेपी की तरह गुणगान नहीं करते कि दुनिया की बड़ी पार्टी है और जब हमें कैंडिडेट की जरूरत होती है तो हम कांग्रेस के लोग ढूंढते हैं। आपको बता देता हूँ कौन कौन, राव इंद्रजीत कांग्रेस से, धर्मवीर सिंह कांग्रेस से। सर वो मैं गिनवा दूंगा, मेरा काम है ये गिनवाना। सुन मैं इसलिए गिनवा रहा हूँ कि इनकी इतनी दुनिया की बड़ी पार्टी है लेकिन बंदे हमारे हैं। हाँ। अरविंद शर्मा कांग्रेस से, एक प्रवीण अत्रे INLD से, तरुण भंडारी कांग्रेस से, रंजीता मेहता कांग्रेस से। सर मैं गिनवाऊंगा तो और लंबी लिस्ट हो जाएगी, अभी तो बहुत है, लंबी लिस्ट है जी। और ये दुनिया की बड़ी पार्टी है, ठीक है, कहां से बड़ी पार्टी है रेणु जी, समझ तो आ रही है। कांग्रेस इस बार बड़े डिसिप्लिन तरीके से टिकट दे रही है, बबली हो, सोमवीर सांगवान हो, भाई उन्हें ना कहना है तो वो कह रहे हैं, उनको अपने बंदों को टिकट देनी है मेरिट पे। मतलब आपको लग रहा है कांग्रेस में सुधार आ गया? कोई सुधार नहीं वरुण जी, कांग्रेस में ना है ना हो सकता। ये कांग्रेस पार्टी न घर की है न बाहर की है, घर की तो इसलिए नहीं है। अभी हमारे धींगड़ा जी कह रहे थे कि वरुण जी आप समझे नहीं, वरुण जी तो बहुत जल्दी समझ गए थे, पूरा प्रदेश भी समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हो। ये हम समझ गए कि यहाँ पर धींगड़ा जी भूपेंद्र हुड्डा के ही प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है धींगड़ा जी, ये पूरा प्रदेश समझ चुका है। सुनिए सुनिए, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो है मीडिया हेड हूँ। आप नहीं समझे रेणू साहब, कांग्रेस कमेटी हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। प्रवक्ता की हैसियत से भी हूं साथ आपके, लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मीडिया हेड हूँ। चिट्ठी भेज दूं क्या आपको? पता है आप मीडिया हेड हो कांग्रेस पार्टी के और 3-4 साल से पार्टी ने बनाया ना मुझे, 3-4 साल से बनाया ना मुझे। वो कह रहे मुझे पार्टी ने बनाया, व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके नाम से आपके मेरी चिट्ठी के ऊपर सुनिए, मेरी चिट्ठी के ऊपर वेणुगोपाल जी के साइन करते हो आपने, सैकड़ों बार एक मिनट मेरी के ऊपर वेणुगोपाल जी के साइन है। प्रभावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, सैकड़ों बार आप ये बात दोहरा चुके। अरे सर, मैंने कब कहा? मैंने कभी नहीं कहा, झूठ मत डालिए। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये कहा कि कांग्रेस के MLA, सुनिए भाई, ना गलत ना बोले रेणु साहब गलत ना बोले, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के MLA और हाईकमान डिसाइड करती है कौन बनेगा, आप गलत बात मत करें, मेरे मुंह में मत डाले मैंने क्या कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने तो डिसाइड करने नहीं देते आप। और आप देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, हम सम्मान करते हैं, मेरे सबसे अजीज है, मेरे सबसे अजीज है, मैं उनका अजीज हूँ, मैं वो मेरे अजीज है, इसमें क्या गलत बात है? पार्टी को खत्म करने का काम है, मैं उनका अजीज हूँ। अच्छा, रुक जाइए, तो इसमें क्या गलत बात है भाई? रुक जाइए, हमारी पार्टी के हेड हैं, 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? रुकिए, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, किसी को डाउट नहीं है। ऐसे मत करें आप, ऐसे मत करें, तेरी टिकट पक्की है, पार्टी पॉलिसी पे है, पार्टी पॉलिसी पे मेरे सामने कह रखा है।
और देखा पार्टी बननी चाहिए। और कभी कभी मेरी डिबेट में अच्छा रुक जाइए प्लीज अजय चौधरी, एक मिनट आ रहा हूँ प्रोफेसर अवल आ रहा हूँ। अजय चौधरी मुझे एक बात बताएं जी, जो कि आप भी इंतजार तो कर ही रहे होंगे कि भाई मजबूत उम्मीदवार, देखिए कंटेंडर है कांग्रेस में या बीजेपी में, अगर टिकट कटता है तो जेजेपी उनको टिकट देके भाई ठीक है, जेजेपी को भी एक मजबूत आदमी मिल जाएगा, तो 12 तारीख तक तो दरवाजे खुले ही माने जाए फिर हम। चुनाव के समय सभी पार्टियों के दरवाजे खुले होते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले विपुल रावल साहब को कहा था, हाँ तो सभी कोई यहाँ बैठ करके मना करे कि हमारी पार्टी तो हाफ फुल हो चुका और दरवाजा बंद है, शायद कोई ही प्रवक्ता ये बात कहेगा। चुनाव के समय सभी पार्टियों के दरवाजे खुले होते हैं और पार्टियां डिसाइड करती है कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ से मजबूत रहेगा, उनको उतारने का काम करती है। अब मैं यहाँ बैठ करके कहूँ नहीं कि हमारे तो बिल्कुल दरवाजे बंद है, हम किसी को नहीं लेंगे, ऐसा कोई साथी है जो मजबूत है और आदरणीय मुख्यमंत्री चौटाला के साथ लंबे समय तक राजनीति करने के लिए, लंबा समय चलने के लिए अगर कोई साथी इस तरह का आता है सत्ता का आनंद लिया और वो सारे लोग जैसे चुनाव आया छोड़ के चले गए, तो इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दूध के जले हैं, छाछ को फूंक फूंक कर पिएंगे। गोयल साहब, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसी जागृति हिंदुस्तान हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक इतिहास को उठा करके देखेंगे तो चौधरी देवीलाल के साथ दो बार हुआ, भगवत दयाल शर्मा जी आखिरी मिनट में चले गए थे भाई, 1987 में हुआ, 82 में सबसे ज्यादा सीट लेकर के वो आकर के आए और राज्यपाल ने उनको आमंत्रित कर लिया था शपथ लेने के लिए और बीच में भदनलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो इस तरह का इतिहास हरियाणा प्रदेश की राजनीति में रहा है। और चौटाला साहब का मुझे, मैं एक शेयर कोट करूंगा, जब उनके बहुत ही जो नजदीकी थे संपत सिंह अचानक छोड़ करके चले गए थे तो आप जैसे सीनियर किसी पत्रकार ने पूछा कि चौटाला साहब संपत सिंह आपको छोड़ करके चले गए तो क्या कहेंगे, तो उन्होंने एक शायराना अंदाज में जवाब दिया था कि छोटे से एक स्वार्थ के लिए वर्षों के यारा में गए, अच्छा हुआ यार मेरे कुछ नकली चेहरे पहचाने गए तो हमने भी पहचान लिए। ठीक है, दोबारा गलती नहीं करेंगे ना पहचानने में, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। प्रोफेसर विदुर रावल, अभी ढींगरा साहब कह रहे थे आपके यहाँ मतलब जेजेपी से लोग या दूसरी पार्टी से लोग या जो भी आ रहे हैं टिकट को लेकर बातें हैं, कौन कहाँ से लड़ेगा, बयान अलग अलग आ रहे हैं, तो ओवरफ्लो हो गया क्या मामला? वरुण जी, ये एक अच्छी समस्या है अगर है तो, अगर ये ओवरफ्लो की बात अगर कोई कहता है या प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी अगर कोई कहता है तो ये एक अच्छी समस्या है। ये समस्या ईश्वर सभी पार्टियों को दे, लेकिन दिक्कत तो ये है कि कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो इंतजार में हैं कि कब किसी का टिकट कटे और उसको कुरड़ा राम बना दिया जाए, तो कुल मिला के स्थिति तो ऐसी है। लेकिन अभी जिस प्रकार से मोबाइल फोन जब आए थे, जब सेलुलर फोन हिंदुस्तान में आए थे, तो हम याद करें कि इनकमिंग और आउटगोइंग के अलग अलग चार्जेस होते थे। तो यहाँ इनकमिंग और आउटगोइंग की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में तो इनकमिंग चल रही है, आउटगोइंग तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जो है आउटगोइंग की अपनी सर्विस चालू कर दी है और कह दिया भाई कि हम जो है सोमवीर सांगवान, धर्मपाल गुंदर और रणवीर गोलन शरीखे, कुछ लोगों को जिनको बहला फुसला कर ये जो है लेकर आए थे, आज उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनका 2556 लोगों में, और ये भी एक अलग है डिबेट का, पता नहीं आप समय देंगे नहीं देंगे कि ये उनसे उन 2556 जिनसे 20-25-25,000 रुपए लिए हैं उनमें ये है तो ठीक है, नहीं लिए है तो नहीं चलेंगे। लेकिन बड़ी बात इनकमिंग और आउटगोइंग के इस मामले में जेजेपी और इनेलो से केवल आउटगोइंग ही आउटगोइंग हो रही है, इनकमिंग नहीं है, इनकमिंग फैसिलिटी नहीं है, इनकी इनकमिंग बंद है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये पार्टियां जो हैं केवल आज इस इंतजार में है कि कहां कोई उम्मीदवार मिल जाए। देखिए मैं तो आज इस स्थिति में हूं कि 4.5 साल हमारे साथ सुशासन करने के बाद और अच्छे तौर पर दुष्यंत चौटाला की किस प्रकार की नहीं रही कि उन्होंने कोई सरकारी काम में रोड़ा अट पाया, पॉजिटिव काम किया उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद वो 10 में से जब आए थे तो
तो तीन विधायक उनके अपने थे, आज 10 में से 2 रह गए वो लोग। जब मूल रूप से देखे तो अनूप धानक जी के अलावा बाकी 7 तो इन्होंने इधर उधर से पकड़े थे, वो आज वो अनूप धानक जी भी जो है उनका भी इनसे मोह भंग हो गया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी न्यूज है, और बड़ी न्यूज इसलिए भी है क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी ने हमें बताया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साहब ने, जब उनको आप बता रहे थे, उनको एक्सपोज कर रहे थे कि हुड्डा के प्रवक्ता है, उन्होंने बड़े ये बात बताई, रेणु साहब ने बताइए, रेणु साहब ने कहा, चलिए कोई भी कर रहा था, आप भी उनसे मुश्किल सवाल पूछ रहे थे और केवल अच्छी अच्छा स्वभाव है उनका, हंसते हंसते जवाब देते हैं, खुश रहते हैं, मेरे साथ अच्छी बात है कि सभी हंसते हंसते जवाब देते हैं मुझे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यानी नहीं, सोनिया गांधी यानी कांग्रेस, मुझे याद आया वो इंदिरा इज इक्वल टू इंडिया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, तो इसी प्रकार से फिर किसी ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस इज इक्वल टू भूपेंद्र हुड्डा। मैं गर्व से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारत की जनता की पार्टी, ये किसी सोनिया गांधी की पार्टी है, भारत की पार्टी, भारत की जनता जो कहेगी, भारतीय झूठ पार्टी है, मेरी और मेरे कोई भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, एक मिनट आपने जीवन भर अगर जेजेपी में रहोगे तो दुष्यंत और दिग्विजय के अलावा बाहर नहीं निकल पाओगे। हमारे यहाँ पर अटल जी के बाद भी लोग आए हैं, अटल जी जब थे तो उनको कहा जाता था, अटल जी के बाद भी आए और मोदी जी के बाद भी आएंगे लोग, आप देखिएगा हमारी हमारा ये जो दल है ना, इसलिए आप लोगों से अलग। और मैं हमेशा जब से प्रवक्ता बना हूं पिछले 6-7, 5-6 सालों से हमेशा इस बात को कहता हूं, हमारे जो एंकर्स हैं, हमारे जो जो पत्रकार हैं, वो इस बात को देखकर इनके पैरामीटर्स पर हमें मत जज किया कीजिए, वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, हम अन्य पार्टियों से भिन्न है, हमारे अलग स्टैंडर्ड से, हमारा अलग स्तर है, सारे प्रवक्ता बराबर ही मानता हूं मैं जब कार्यक्रम में, तो ठीक है आप बराबर मानते हैं, अन्याय किसके साथ करते हैं, अन्याय अन्याय कैसे हो गया भाई, एक कार्यक्रम है, 4 पार्टियों के 4 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इसमें गर्व की बात है, हम मूल्य आधारित पार्टी हैं, हम सिद्धांतवादी पार्टी हैं। मैं एक आपसे आपकी डिबेट से जस्ट पहले एक दूसरी डिबेट में था जहां जेजेपी के एक बहुत समझदार प्रवक्ता आए हुए थे, उन्होंने कहा सिद्धांत विधान की बात तो पिछले चली गई, कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये कहता आपको कभी नहीं मिलेगा, और मुझे इसी बात का गर्व है, जब तक ये विषय भारतीय जनता पार्टी में रहेगा, विधु रावल जैसे असंख्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मिलते लगातार मिलते। ठीक है केवल ढिंगरा जी भाई, जैसे अभी अजय चौधरी कह रहे थे कोई नहीं कह सकता दरवाजे बंद हैं, आपके यहाँ भी दरवाजे खुले हुए हैं सबके लिए, कोई भी आ जाए मोस्ट वेलकम है, फिलहाल चुनाव चल रहे हैं और होना ही चाहिए ऐसा। देखिए चुनाव चल रहे नहीं है, चुनाव चलने से पहले भी, चुनाव चलने के बाद भी हमारे हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह है जो टिकट जो है वो हम सर्वे के आधार पे जिताऊ उम्मीदवारों को देना चाहते हैं, उसमें चाहे बाहर से भी कोई आया हुआ है, अगर जिताऊ उम्मीदवार होगा सर्वे के अधिकार पे उसको हम उसको टिकट देने का काम करेंगे, वो इशू नहीं है, हम अभी पैनल बना रहे हैं हरियाणा स्टेट के, वो AICC उसको फाइनल करेगी। दूसरी बात जो है ये जो भारतीय जनता पार्टी इतनी बात जो सर्वे में तो ऊपर थे, टिकट दे दिया राज बब्बर को जो कि कहीं जिनको कोई यहाँ पर कोई पैठ नहीं थी, राव दान सिंह तो अपने खुद के घर से अपने गांव से और अपने हलके से भी हार गए, तो इसमें आप ये तो झूठ ना बोलिए कि आप वो देते हैं, ठीक है आपकी प्राथमिकताएं हैं, आप भूपेंद्र हुड्डा से बाहर नहीं जा सकते, भूपेंद्र हुड्डा रुके कोई केवल रावल साहब रुके उनकी बारी है, और एक बार हाँ जी डिंगरा साहब बोलिए बताइए सर्वे की बात बताइए, इनको हमारे सर्वे भी पता है, इनको हमारा कांग्रेस पार्टी का ज्ञान भी बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि अगली कांग्रेस में ज्वाइन करने के इच्छुक ये भी हो सकते हैं, आप मुझे नहीं मालूम, आप ही करेंगे ना वेलकम, अगले मैं तो हर कार्यकर्ता का वेलकम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जहां तक कांग्रेस की विचारधारा है वो समुन्द्र में सारे ही आ जाते हैं, लेकिन जहां तक मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां तक जो बीजेपी के अंदर हमारे गए हैं, बीजेपी की अपनी विचारधारा कहाँ है, वो तो बेचारे चटाइयां बिछाने वाले हैं, दरियां बिछाने वाले हैं, हमारे लोग वहां पे भी जाके पुरस्कृत हो रहे हैं, मैं तो इतने सारे आदमियों के नाम गिना दिए। ये बड़ी मजेदार बात कही आपने, एक मिनट मैं जवाब लेता हूँ फिर आता हूँ, रेणु साहब आता हूँ, प्रोफेसर रावल आपके यहाँ जिन्होंने संघर्ष किया, दरियां बिछाई, कुर्सी लगाई, वो वहीं रह गए, बाहर से आने वाला तुरंत पुरस्कृत हो रहा है आपके यहाँ भाई, यही है समझने की बात, हमने दरियां इसलिए बिछाई
हमने दरिया इसलिए बिछाई कि हमारे देश के सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट मिल पाए। वो बुलेट प्रूफ जैकेट देने के लिए अगर कांग्रेस से हमारे बीच प्राथमिकता समझिए ना, नहीं केवल ढीला दीजिए, सुनने दीजिए, पर मेरी बात जाने दीजिए, मेरी बात जाने दीजिए, आप बोल लीजिए, मैं फिर बोल लूंगा, आपके बाद बोल लूंगा, आप बोल लीजिए क्या बोलना चाहते हैं। नहीं नहीं रुकिए रुकिए ढींगरा साहब रुकिए, नहीं नहीं आपका, अरे रुकिए भाई, मूल प्रश्न ये है ढींगरा, ये रावल साहब की भाई, आपके यहाँ जो मेहनत कर रहा है वो नेपथ्य में है, उसे प्रतीक्षा करनी है, बाहर वाला आया है वो बहुत जल्दी से तुरंत वो कुछ बन जा रहा है, ऐसा क्यों है भाई? मतलब अपना जो कोर कार्यकर्ता है, जो कोर वर्कर है, क्या उसकी उपेक्षा हो रही है, ऐसा है क्या? वरुण जी थोड़ा सा समय दीजिए इसको समझाने के लिए। जो है एक एक दृष्टांत है, देश की संसद घर पहली लोकसभा का दृष्टांत है, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामने खड़े थे और नेहरू जी ने कहा आई विल क्रश द रेबेलियन, मैं ये प्रतिकार को क्रश कर दूंगा, और उसके बाद जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े हुए, उन्होंने कहा आई विल क्रश द मेंटालिटी, ये जो कुचलने वाली जो मेंटालिटी है ना, इसको कुचलने क्या हमारे लिए, एक मिनट केवल जी, ऐसे नहीं बोलने दीजिए भाई साहब, ऐसे नहीं बात जाने दीजिए, केवल ढींगड़ा को अपने से पराया व्यक्ति नहीं समझता हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो समझने की है, केवल ढींगड़ा का सफलता का मापदंड कुछ और हो सकता है, केवल ढींगड़ा का मापदंड हो सकता है एमपी एमएलए मंत्री बनना, विधु रावल का मापदंड कुछ और है, भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के राजनीति करते हैं हम दरी बिछाते हुए, अगर कोई केवल ढींगड़ा स्थिति में है कि आकर हमारे विचार के साथ जुड़कर, रावल साहब एक मिनट प्लीज, खत्म, मैं खत्म, केवल 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, किसी केवल ढींगड़ा जैसे लोगों के आने के कारण अगर 370 नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है, आप जो बोल रहे हो बड़ा अच्छा है, प्लीज मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा होता तो गरीबी सांगवान भी निर्दलीय ना लड़ते ना, अगर ऐसा होता तो राव नरवीर ये ना कहते ना बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से लड़ लूंगा। वरुण जी मैं बात तो पूरी कर दूं साहब, अगर मुझे वैसे सवाल भी नहीं सुन पाया, मैं जल्दी से बात पूरी कर, फिर सवाल दोहराता हूं, आप ही ने जवाब देना है, आप जैसा कह रहे हैं सर, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात बोलिए बोलिए, देखिए हमारा राजनीति का, हम पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, किस प्रकार से हमारा लक्ष्य कुछ और है, इसलिए हमारी पार्टी इनसे अलग है। अगर हम आकर जातिवाद को, क्षेत्रवाद को, भ्रष्टाचार को काफी हद तक कोने में लगा पाए हैं, कब लगा पाए हैं, जब बहुत सारे लोग उधर से इधर आए, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने वैचारिक अनुष्ठानों को माना, और आज वो भी भारत माता की जय करते हुए गर्व महसूस करते हैं। भारत माता के लिए गर्व महसूस करने वाले कोई आकर अगर 370 तोड़ने में हमारे सहायक होते हैं, 70 साल बाद टूटा, राम मंदिर बना, किस प्रकार से भारत की जय हुई, विदेशों के अंदर जय हुई, अगर इसके लिए कोई विधु रावल को एक स्टेप पीछे लेना पड़ता हो तो ले ले। आपका सवाल क्या है मैं सुन नहीं पाया। मेरा सवाल यह है सर कि देखिए सब ऐसा नहीं करते हैं ना, ऐसा होता तो सोमवीर सांगवान निर्दलीय ना लड़ते, ऐसा होता तो राव नरवीर खुली चुनौती ना देते कि बीजेपी टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय लड़ जाऊंगा। अटेली में अभी जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि यहां राजशाही नहीं चलेगी, ये आप बोल रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन आप समझिए कि आपके यहां भी सवाल, टिकट कटता है तो भाई फिर वर्कर तो फिर इस तरह की बातें कर रहा है ना। वरुण भाई मेरे तर्क का जवाब दे, जो बरेंद्र सिंह कांग्रेस में आए, बरजिंदर सिंह कांग्रेस में आए दोबारा, और वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत गलत पार्टी है जिसमें मैं चला गया था और वापिस आ गए वो, ये दोनों उदाहरण आप इनको उसका सवाल पूछे कि वो क्या कह रहे हैं। केवल जी का जवाब दे देता हूँ, वरुण जी का भी साथ में ही हो जाएगा जवाब। वरुण जी जब हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, जब हम काम करेंगे ना, जब हम चलेंगे तो कुछ कदम ठीक चल जाएंगे, कुछ कदम गलत भी चले जाएंगे। जब हम विस्तार की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अच्छे लोग पार्टी में आते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इस नकाब में आ जाते हैं कि वो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उनका वैचारिक परिवर्तन हो गया, लेकिन पीछे से खाल में अगर वैसे रह जाते हैं तो और मेहनत करेंगे उनको वैचारिक परिवर्तन करने और भारत माता की जय, भारत के झंडे के नीचे ठीक है, ठीक है विजेंद्र, ठीक है विजेंद्र रेडू जी, मुझे एक बात बताएं कि ये दल बदल बड़ी सामान्य सी बात है, मैं भगवत दयाल शर्मा बड़े प्राइम उदाहरण रहे हैं कि कहां तो चौधरी देवीलाल के को उन्होंने कहा, 12 उम्मीदवार भी उतरवा दिए, फिर बाद में राजीव गांधी से जाकर वो मिल गए, हालांकि वो सब पीछे छूट गई है बातें, ये लास्ट मोमेंट तक ये सब चलेगा, मजबूत उम्मीदवार ढूंढने जाएंगे हर पार्टी में। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये आप कह रहे हो
जब चुनाव आता है तो कुछ वर्करों की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा होती है, कुछ पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी त्यागी पुरुष होते हैं जो भाई उनको मुआवजा आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो बढ़ जाते हैं, नहीं मौका मिलता तो पार्टी के साथ मिलकर के उनकी जो नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों को कुछ ज्यादा आगे बढ़ने की ज्यादा ललक होती है, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, जो जिस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जाता है, आप जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है, कांग्रेस पार्टी ने 10-10 आदमियों को विश्वास दिला दिया भाई तेरी टिकट पक्की है, तेरी टिकट पक्की है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ ये बात तो वो भी जानते होंगे ना, एक को ही मिलेगी टिकट। कमाल है, हमने कब विश्वास दिला दिया बताइए। बोलिए रेडू साहब बोलिए। मेरे यहाँ ढींगड़ा साहब, मैं आपको नाम गिनवा दूंगा लेकिन कोई छूट गया तो वो नाराज हो जाएगा, प्रॉब्लम ये है। अरे साहब एक सेकेंड, किसी सीट पे 25 आदमी, किसी पे 29, उन्होंने अप्लाई किया है सर। अगर किसी ने अप्लाई किया उसको जिताऊ उम्मीदवार को सर्वे के अधिकार पे टिकट देगी कांग्रेस पार्टी। यही बात किरण चौधरी ने भी कही है, किसको कहा आपने, बहुत लोगों को बोल रखा टिकट 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 मिलेगी, हमने नहीं कहा, सिंगल नहीं कहा किसी को। कांग्रेस पार्टी में इस वजह से गए कि उनको टिकट का आश्वासन दिया गया और उन्होंने हमारे बताया कि फाइनल होगी, इसलिए मैंने कांग्रेस जो है कर लिया। दूसरी बात देखो वरुण जी, आपने बड़ा जोर दोर दे दे करके मानते नहीं थे कि कांग्रेस पार्टी में जो है नहीं हो रही है, क्या होगा आपके कोर वर्कर का क्या होगा, आप नए व्यक्तियों को मौका दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश भाजपा के साथ पास कोर वर्कर है ही कहां, ये तो अब बनाने शुरू किए हैं इन्होंने, 2014 से पहले इनके पास था ही कुछ नहीं, अब ये नए नए वर्कर बने हैं, ये धीरे धीरे कोर वर्कर बनेंगे, जब 10-20 साल पार्टी की सेवा कर लेंगे, ये तो दूसरों के रेडियो में बैठ करके चलने वाली पार्टी हुआ करती है, सबको सामने आपको पता है। एक बात और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, इनकमिंग बस 5 सेकंड, किसी के दर खुले होते हैं भाई, कोई इनकम भी हो रहा है और आउटगोइंग भी हो रहा है, लेकिन यदि कोई दरबार ही ऐसा हो कि वो सिर्फ अंदर की तरफ तो दरवाजा खुलता है, बाहर की तरफ खोले तो तलवार लेकर के कई कई वहां लोग बैठे होते हैं, जो बाहर निकलेगा गर्दन काट देंगे उसको, और वो ऐसी ऐसी संस्था तो जो एंट्री कर गया बाहर तो निकलने ही नहीं देते भाई, वहां तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहां तो एक व्यक्ति है, निकलेगा तो उसके आगे तलवार लेकर के बाहर ईडी बैठी है, तलवार लेकर के इनकम टैक्स बैठा है, तलवार लेकर के सीबीआई बैठी है, जो बाहर निकला वो खत्म। इनकम टैक्स से वो इनकमिंग गंदे काम करते नहीं हो करते क्यों होगी, निकले काम करो विधु पवन को कोई डर होता है इनकम टैक्स से ईडी से, निकलेंगे कितने आउट गोइंग होगी, इनके सिर्फ आउट गोइंग ही रह जाएगी, फिर इनकमिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट अजय, इसलिए अजय अजय को कहना चाह रहे हैं, फिर जल्दी से दो जवाब लेता हूं। जी अजय बोलिए। गोयल साहब ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 3 बात कही और बड़े घमंड से घमंडा कर उन्होंने एक बात कही कि इनकी पार्टी में आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है। नहीं, पार्टी नहीं। में भी आउटगोइंग की डायलिंग हो चुकी है, अटेली से हो चुकी है, बादशाहपुर से हो चुकी है, और रणवीर जी कापड़ीवास का भी बयान आ चुका है, आप देखते जाइए। और दूसरा बात है विदुत जी मैं आपको बताऊं, हरियाणा प्रदेश के 60 साल के राजनीतिक इतिहास को आप उठा करके देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा चुनाव हरियाणा प्रदेश में हारने का रिकॉर्ड आपकी पार्टी के नाम है, सबसे ज्यादा जमानते जब्त होने का रिकॉर्ड भी आपकी पार्टी के नाम है, और इस संयोग से सबसे ज्यादा बार नोटा से कम वोट लेने का रिकॉर्ड भी आपकी पार्टी के नाम है। नोटा तो बहुत बाद में आया है। अरे अजय भाई, नोटा तो बहुत बाद में आया है। देखिए आज भी नोटा से आप कंपेयर करिए, मैं ये कह रहा हूं कंपेयर करिए, अगर नोटा का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बार अगर उठा करके देखोगे तो इनकी पार्टी के नाम है, अगर वो रिकॉर्ड कोई पार्टी तोड़ दे तो इतने गंदा करके बात करिएगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, इन्होंने सिद्धांतों की बात की और पार्टी में डिफरेंट की बात की, अगर देश के इमरजेंसी के इतिहास में जाएंगे आप तो सूझे हुए आदमी आप जानते हैं, जब देश में इमरजेंसी इंपोज की गई तो अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता श्री लाल कृष्ण जी अडवाणी श्री के लोग विपक्ष के नेताओं के साथ निकल करके सड़कों पर नारे लगा रहे थे कि इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा संजय बंसीलाल, और बंसीलाल जी को बड़ा उस इतिहास में माना जाता है कि इमरजेंसी इंपोज करने में चौधरी बंसीलाल जी का भी बड़ा हाथ है। आज हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और
पीएम साहब तारीखों के पुल बांधते हैं कि बंसीलाल जी तो बड़े युग पुरुष थे, उन्हें हम बहुत कुछ सीखने को मिला, इसी को सिद्धांत कहते हैं। ऐसे सिद्धांतों की राजनीति आप करते हैं और अपने आप एक मिनट सर, आप जिन्हें जमुना पार और घग्गर पार करा रहे थे उनके साथ सरकार बना ली, आप सिद्धांत की बात करते हैं, कमाल है। मैं आपको कहूंगा हमने ये नहीं कहा कि हम ये कांग्रेस के खिलाफ जाकर के साथ जाकर के सरकार बनाएंगे और चुनाव के समय मूवमेंट पैदा करने के लिए वर्करों में हौसला अफजाई करने के लिए नारे कौन नहीं देता। हमने कहीं घोषणा, अभी तो आप इमरजेंसी का नारा ही तो गिनवा रहे थे, आप इमरजेंसी का नारा ही तो बता रहे थे। वो इमरजेंसी वालों का जिनके 25 जून को आज भी, आज आप कहते हैं बीजेपी के साथ जाना गलती थी, बीजेपी गलत पार्टी है। इस साल भी मनाया, बोल साहब सुनिए, इस साल भी हर साल 25 जून को हिंदुस्तान के इतिहास को ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं और उस ब्लैक डे के लिए रिस्पॉन्सिबल चौधरी बंसीलाल जी को भी मानते हैं, आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। चले विदुर आवाज जल्दी से, आज चर्चा इतिहास में चली गई जो आप चाहते थे। ठीक है अजय भाई आगे बात, प्रोफेसर रावल फिर ढींगरा साहब आ रहा हूं आपके पास। ये तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं है, अजय भाई को एक बार फिर से जो है देख लेना चाहिए। ठीक है इंडियन नेशनल लोकदल ये नाम बाद में आया, इससे पहले कभी लोकदल कभी बीकेडी कभी समता पार्टी अलग अलग नामों से आया। सबसे ज्यादा हारने का रिकॉर्ड आपके पास है, हमारे पास नहीं है। क्यों बता देता हूं मैं, हम बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ते थे लेकिन जीतते थे। सबसे अधिक अगर जीतने का रिकॉर्ड है, स्ट्राइक रेट है, शायद कांग्रेस से भी बेहतर स्ट्राइक रेट होगी, तो भी अजय भाई पार्टी की। मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको और ये उदाहरण काफी हद तक आपके ध्यान में आ जाएगा। 1990 में हमारी पार्टी के हरियाणा के शीर्ष नेता जो रहे थे उनका देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था, डॉक्टर मंगल सेन। जब उनकी अर्थी उठी थी उस समय वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, डॉक्टर मंगल सेन की बात कर रहा हूं। 7 बार विधायक रहे हैं रोहतक से, 7 बार, और किराए के घर से अर्थी उठी थी, बैंक में बैलेंस था 37.75 रुपए, ये हमने अर्जित किया, 7 बार विधायक। एक मिनट रुक जाइए, अजय चौधरी रुक जाइए, और उनके वंशजों के पास अब भी चले जाइए आप, रोहतक के अंदर रहते हैं वो, आप जाइएगा पता चलेगा गेट के बाहर। ये तो ठीक नहीं ना अजय चौधरी, आप अपने समय में याद करें मेरे बीच में भी बोले, ये तो ठीक नहीं है ना। अजय भाई रुकिए, अजय भाई, अपने मेरे समय में बोले कोई तरीका थोड़ी है, आप अपने समय बोले, मैं एक शब्द बोला हूँ क्या आपके बीच में, आप रुक जाइए। अरे सर आप ही थे पार्टी में डिफरेंस के साथ 4.5 साल, आपकी सब अपनी बात रख पाए, सब अपनी बात रख पाए, ये अन्याय होता है, अपने समय बोले। अच्छा हारने की बात जहां तक है, विजेंद्र रेडूस ने भी इस बात को सवाल खड़ा किया और इनको देखिए, अगर आप इतिहास को ढंग से नहीं देखेंगे, तथ्यों को नहीं देखेंगे, असल मामला तो है स्ट्राइक रेट के मामले में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2014 तक चौथे नंबर का दल थी लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में हम बहुत अच्छे रहे हैं। अगर हम 1987 में केवल 20 सीटों पर लड़कर 17 में जीते थे हम लोग, इसको भी देखिए। हम 1996 में जो चौधरी बंसीलाल जी की हरियाणा विकास पार्टी में बहुत कम सीटें लड़कर भी 14 सीटें जीत गए थे, हम पंजाब में भी इसी प्रकार की स्थिति रही। लेकिन मैं इस पर नहीं जाना चाहता, इतना जरूर आपको याद करवाना चाहता हूँ, चौधरी देवीलाल मेरे भी नेता है, उनको मैं श्रद्धे मानता हूँ। 1972 में 2 जगह से लड़े थे, 1972 कांग्रेस छोड़कर आए थे, 2 जगह से लड़े थे, आदमपुर से और तुशांग से, और एक जगह जमानत नहीं बची थी और एक जगह जमानत थोड़ी सी वोटों से बची थी, उसके बावजूद भी वो। और सबसे ज्यादा हारने का रिकॉर्ड अगर किसी बड़े नेता के पास है ना, तो चौधरी देवीलाल जी का, उसके बावजूद भी मेरे लिए शर्त है। दूसरा, ये जो 2556 उम्मीदवार बार बार कांग्रेस पार्टी गिनवाती है, इस पर जरूर वरुण जी कभी ना कभी चर्चा होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार से पैसे, और पैसे भी कोई 20 रुपए 25 रुपए नहीं, 25,000 रुपए तो आवेदन के लेकर, अगर ये परंपरा अच्छी है, हालांकि इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्या इसके बाद जो है अंदरूनी मामला तो छोड़ दीजिए। केवल ढींगरा जी, छोड़, रेडू साहब अभी कह रहे थे कि आपने 10-10 लोगों को आश्वासन दे रखा है, किरण चौधरी ने भी ऐसे ही बयान दिया है कि बहुत दिक्कत होने वाली है, तैयार है मेंटली उसके लिए? देखिए हम हर टाइम तैयार रहते हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी वो नहीं करती, समुद्र है, बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन आपको बता दूं मैं, जो हेड ग्रोयर थी ना वो भी कांग्रेस से ही निकले थे, जिन्होंने संघ बनाया था और उसके अंदर से बीजेपी निकलाई, ये सारी हमारे से ही निकले हुए हैं। अरे तो ऐसे आप कांग्रेस के हो, ह्यूम ने बनाई थी तो ऐसे थोड़ी है, वहां तक चले जाएंगे।
नहीं सर मैं वहां तक नहीं जा रहा, मैं 1925 से ही शुरू कर रहा हूँ कि हेडक्वायर जो थे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे जिन्होंने संघ बनाया और संघ से बीजेपी निकली। तो ये अपने आप को दुनिया की बड़ी पार्टी बता रहे हैं, मुझे मालूम है सारी पार्टी का इतिहास। और मैं आपको यहाँ बात बता रहा हूँ कि ये जो चुनाव है ना इसके अंदर पता लग जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। और अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे राहुल मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जैसे राहुल नरबीर ने कहा बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से लड़ लूंगा, तो मतलब ये सारी क्या अभी बातचीत उस लेवल पे है क्या आपकी? बिल्कुल हो सकती है, हमारे पास कोई आएगा हम उसका विचार करेंगे, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देंगे। चलिए ठीक है सर, समय हो गया। अंदर रणधीर गोल्लन हो सकता है, मामूराम गोंदर हो सकता है, ईश्वर सिंह हो सकता है, सोमवीर सांगवान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राहुल नरबीर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हो सकता है। हम तो जिताऊ उम्मीदवार और सर्वे के आधार पे टिकट देंगे, मैंने तो आपको पहले ही बताया। कोटे पे तो नहीं देंगे ना, कोटे पे टिकट देंगे या नहीं देंगे? नो 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 कोटा, बिल्कुल नहीं, पैनल पे देंगे, पैनल पे नो कोटा। 2556 उम्मीदवार जो है ना उन्होंने सभी ने 20-25 हजार नहीं दिया, 20-20 हजार दिया। जो जर्नल है, जो महिला है और जो शेड्यूल कास्ट है, जो जनरल कास्ट है, उन्होंने 5-5 हजार रुपए दिया। और दूसरी बात सुनिए, हमने लिया लेकिन हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बिजनेसमैनों के गले बंदूक रख के पैसा नहीं ले रहे। रेणु साहब समय नहीं है मेरे पास, जल्दी से एक बात अगर आप कह दे तो कह जल्दी से प्लीज। हाँ मैं ये कह रहा था, देखिए ताऊ देवलाल कितनी बार हारे कितनी बार जीते इस बात पर मैं नहीं जा रहा, और लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा वो कितनी बार हारे कितनी बार जीते हो, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में वो एक लोकप्रिय नेता है। हर पार्टी का नेता, हर दल उनको पूजते हैं अपने घरों में फोटो लगा करके। चलिए जी, सम्मान दावेदारी पर दावेदारी है फिलहाल, दल बदल का मूड है और सब तैयार है, देखे किसके खाते में कौन चला जाता है। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये खास पेशकश आप देख रहे थे रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।